बॉलीवुड एक्ट्रेस की वो तस्वीरें और वीडियोस जो हम हर रोज देखते हैं, जो अपने कुत्तों को कभी एक नंबर दो नंबर कराने के लिए निकलते हैं, कभी जिम जाते हुए तो कभी एयरपोर्ट से आते जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कभी मालदीव्स की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपडेट करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। जिन तस्वीरों को देखकर मीडिया वाले बड़े शान से अपने अखबारों में छाप देते हैं कि बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस की हॉट तस्वीरों को देखकर मुंबई का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसे नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, इन तस्वीरों को देख लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, लोगों के दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले, एनसीबी और सीबीआई इन्हें पूछताछ के लिए ड्रग्स वाले मामले में या किसी जुर्म के मामले में अपने अपने दफ्तर बुलाते हैं, तब इनका पूरा गेटअप ही बदल जाता है। ये सब के सब सफेद कपड़े में लिपट कर इन सभी पूछताछ के लिए दफ्तरों में चले जाते हैं एनसीबी के सामने। क्या ये ड्रेस कोड है कि हम सफेद पाउडर लेते हैं तो सफेद रंग के कपड़े ही पहन के जाएं? रिया चक्रवर्ती ने जब इसी तरह की ड्रेस पहनी थी जब वो पूछताछ के लिए सीबीआई के दफ्तर गई पहली बार, फिर एनसीबी के दफ्तर भी गई इसी ड्रेस में, तब लोगों ने कहा देखो 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 कितनी सीधी सादी है, कितनी बेचारी है, अबला है, तबला है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। बेचारी को सीधा बता दिया और उसका थोड़ा बहुत फर्क दिखा भी। आज रिया चक्रवर्ती को बहुत सारे लोग देवी की तरफ पूजने का काम भी कर रहे हैं। हम तो खामखा रिया चक्रवर्ती को चुड़ैल समझ रहे थे, ये तो भली मानुष निकली। रिया चक्रवर्ती के बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, अब अनन्या पांडे, सब के सब एक ही ड्रेस में लिपटे हुए चले आते हैं। सोच रहा हूँ एनसीबी ऑफिस के बाहर मैं भी एक कपड़ों की दुकान खोल दूं जहां पर भारी डिस्काउंट के साथ इन बॉलीवुड एक्ट्रेस के लिए इस तरह के सफेद कपड़ों की दुकान खोल दूं, वो भी डिजाइनर कपड़े, ताकि भाई इन्हें भारी डिस्काउंट दिया जा सके और हमारी भी दुकान चल सके। क्योंकि आने वाले समय में बॉलीवुड से बहुत सारी एक्ट्रेस जो हैं इसी तरह के सफेद कपड़ों में एनसीबी दफ्तर जाते हुए दिखाई पड़ने वाली है। वैसे सोशल मीडिया पर हमारे देश के एक्सपर्ट्स की क्या राय है कमेंट सेक्शन में, चलिए वो सुन लेते। किसी ने लिखा है ये ड्रेस इसकी भी नहीं होगी, अनन्या पांडे के लिए लिखा जा रहा है कि ये इसकी नहीं है, काम वाली बाई की पहन कर आई होगी। फिर किसी ने लिखा सबसे बड़ा समझदार व्यक्ति वह है जो ये जानता है कि उसे कब बेवकूफ दिखना है। फिर कोई लिखता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता वाली ये ड्रेस है, ये कुर्ता है। फिर कोई लिखता है अनन्या पांडे इस ड्रेस में सूखा पापड़ लग रही है और फिल्म में कुछ और ही दिखती है। किसी ने लिखा पता नहीं कब तक जेल में रहना पड़े, तंग कपड़ों में बैरक में नींद नहीं आएगी। फिर कोई लिखता है अनन्या के लिए कि बिना मेकअप के तो ये वैसे लग रही है जैसे लखनऊ की कैब ड्राइवर को मारने वाली लड़की लग रही थी, ये तो उसकी बहन लग रही है। यानी कि इन सफेद कपड़ों को लेकर इस देश की जनता का बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है जो इस देश की जनता ने कर लिया है कि भाई ये सब इनकी नौटंकी है, तभी ये लोग सफेद कपड़ों में जाते हैं ताकि एकदम सीधे साधे भोले भाले मन के एकदम सच्चे और साफ दिखें, जबकि भीतर से ये एकदम काले हैं।